हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शुभम और आपका अपने चैनल में मैं करता हूं एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बताने वाला हूं, आज के वीडियो में कुछ एफए एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ऑल स्टेट की मैं बात करूं तो उनके बारे में मैं आपको कल के वीडियो में बताया था पीएटी एमपी पीएटी बेसिकली क्या होता है, लेकिन लोगों का डिमांड रहा कि आप हर एक स्टेट का बताओ कि कौन सा इंट्रेंस एग्जाम होता है पीएटी के अलावा। पीएटी जो होता है एमपी में होता है दोस्तों, उसको एमपी में एग्रीकल्चर के नाम से जानते हुए एमपी में होता है, लेकिन अदर स्टेट की मैं बात करूं तो हर स्टेट में कौन कौन सा एग्जाम होता है तो मैं ऑल स्टेट की बात कर रहा हूं। लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर कोर्स इन इंडिया 2018 की मैं अगर बात करूं तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं मैं पहले बता देता हूं। आईसीआर AIEE आप इसके बारे में जानते हैं अच्छे से, और मैं इसके बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूं। खैर, इसको आप जानते हैं इसलिए मैं इसको साइड में करता हूं। दूसरी मैं बात करूं अगर बिहार स्टेट की मैं बात करूं तो वहां पे अगर एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम होता है BCECE 2018। आप इस एग्ज़ाम को दे के एग्रीकल्चर कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बढ़िया ऑप्शन रहता है, आप ले सकते हैं, इसके द्वारा भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है BCECE, ठीक है। अगले हम राज्य की अगर हम बात करें, झारखंड राज्य की अगर हम बात करें तो JFECE, जैसे बिहार की तो BCECE, ऐसे ही झारखंड की हम बात करें तो JCECE। झारखंड में भी एग्जाम होता है, झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, BVSC और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डिग्री। दोस्तों ये सारी डिग्रियां आप यहाँ से ले सकते हो, एग्रीकल्चर का ऑप्शन भी है। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो KFET दोस्तों, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये भी बढ़िया स्टेट लेवल का टेस्ट ही है दोस्तों। इसमें भी सेम वही आप कर सकते हो, मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ठीक है, यहाँ एग्रीकल्चर, बाकी BSc एग्रीकल्चर, BSc सेरिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc इंजीनियरिंग, BTech फूड टेक्नोलॉजी, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में APEAMCET एग्जाम करके होता है, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वहाँ भी करवाती है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे आप BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, BTech एग्रीकल्चर, BTech फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, VVSC एंड AH/BFSC, फार्मेसी, बी फार्मा, डी अवेलेबल है दोस्तों। और अगले इंट्रेंस एग्जाम की हम अगर बात करें, अगले स्टेट की हम बात करें तो दोस्तों ये इंट्रेंस एग्जाम जो होता है केरला में होता है, तिरुवनंतपुरम केरला की तरफ से ये इंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है, KEAM करके ये एग्जाम होता है दोस्तों। ये भी बढ़िया है, आप यहाँ से भी एग्रीकल्चर कर सकते हो, एग्रीकल्चर मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू मेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो दोस्तों। और कल सब के बारे में मैं डिटेल्स बताऊँगा कि कैसा पेपर आता है इनका, कितने नंबर का आता है, सारी डिटेल्स मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक करके देता रहूँगा, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। MP के लिए MPPAT, यहाँ से भी आप एग्रीकल्चर कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हो, BTech एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, BSc हॉर्टिकल्चर, सारे कोर्सेस आप कर सकते हो। और अगला ऑप्शन लेके आके आता है उड़ीसा की मैं बात करूँ, उड़ीसा एग्रीकल्चर कॉलेजों की अगर बात करूँ तो OUAT इंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों, स्टेट लेवल का एग्रीकल्चर का ही है, तो आप वो दे सकते हो, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इसका फुल नेम है दोस्तों। ये कंडक्ट कराती है उड़ीसा ऑफ द एडमिशन टू द कैंडिडेट यू द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ये दोनों एग्जाम करवाती है, चाहे PG हो या फिर UG की हम बात करें तो दोनों करवाती है। यहाँ पे भी आप यही एग्रीकल्चर कर सकते हो, BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चर, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो अगर उड़ीसा के स्टूडेंट हो तो। अगर अगली बात करें तेलंगाना स्टेट की दोस्तों तो तेलंगाना में भी एक एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर का है, TSEAMCET एग्जाम का नाम है दोस्तों, तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आर कंडक्ट बाय द जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद।
EAMCET इन ए स्टेट लेवल एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू वेरिएबल प्रोग्रेशन कोर्स ऑफर्ड बाय द प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट ऑफ द टेक तेलंगाना। मतलब कि ये तेलंगाना की स्टेटों में आप ऐसी कॉलेज पा सकते हैं दोस्तों, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, तो ये एक ऑप्शन बढ़िया है, आप इसका भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों कुछ यही इंट्रेंस एग्जाम थे और जो आपके स्टेट लेवल में होते हैं। आई होप कि आप मेरे वीडियो से संतुष्ट होंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और कल मैं इन टेस्टों के बारे में, हर एक राज्य के बारे में डिटेल से बताऊंगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जो दोस्तों अभी भी मेरे से छूट गए हैं, तो मैं उनके बारे में धीरे धीरे करके उनकी भी वीडियोज बनाता जाऊँगा। आई होप कि आप मेरे साथ हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और चलिए तब तक जय हिंद। और मैं इन वीडियो के बारे में मतलब अच्छे से डिटेल इन टॉपिक के बारे में अच्छे डिटेल बताऊंगा, इनका टेस्ट कब होता है, कैसा इनका पेपर आता है, लेवल क्या रहता है, कितने नंबर का पेपर होता है, सारी डिटेल जो भी होंगी दोस्तों, सारी डिटेल मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। आई होप कि आप सब साथ में हो, और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।